तो ये है मुंबई शहर। तो बताओ सिंगर बनने तो मुंबई आ गए? सिंगर नहीं, हीरो बनने। एक्टर बनने? थिएटर किए हो कोई नुक्कड़ नाटक या कोई एक्टिंग क्लास कुछ भी? यह सब करना पड़ता है, लेकिन हमको तो एक्टर नहीं बनना है, हीरो बनना है। अरे एक्टर ही हीरो होता है ना। अरे ये सब तो हिंदी में होता है, हम भोजपुरी का बात कर रहे हैं। भोजपुरी में एक्टर जो होता है वो साइड रोल करता है, और जो सिंगर होता है वो हीरो का रोल करता है। अच्छा तो तुम इस गलतफहमी में हो, लेकिन अभी तुम तो सिंगर भी नहीं हो। अरे तो उहे तो बनने हम इतना दूर से यहाँ आए हैं। अगर नहीं बना तो वापस तो गांव लौटना पड़ेगा? कोई चांस नहीं है। अच्छा इतना कॉन्फिडेंस है? गांव से ना हम अपन बाबूजी के एक कट्ठा बेच के आ रहे हैं, और हमारे बाबूजी इतने मोट के डंडा लेके खोज रहे हैं, और हम यहाँ हैं, उनको पते नहीं है। बहुत पागल इंसान है तुम। हाँ हीरो बनने के लिए। बहुत खुजा रहा है आज, क्या बात है। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बोलो। सर हमको ना सिंगर बनना है, हीरो बनने के लिए, और आपको तो मालूम है एक गाना जहाँ हिट हुआ फिल्म मिलने लगता है। अरे तो हो जाएगा ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, समझो हो गया। तुम मेरे पास आए हो, इंडस्ट्री के बड़े बड़े सिंगर आज मेरे चेले, अभी फिल्म बना रहे हो, तुम बस पैसे का जुगाड़ करना, ठीक है? अरे सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, गांव से एक कट्ठा बेच के आए हैं यहाँ। अरे तो हम तुमको इतना हिट बना देंगे कि तुम एक बीघा खरीदोगे, एक बीघा। जी सर ये तो करना है, कब से शुरू करें? अरे कब से क्या, कल करे सो आज कर, आज करो से अभी, अभी से शुरू करते हैं ना। लेकिन सर गाना कहाँ लिखा हुआ है? अरे है ना राइटर अपने पास, नीचे गोलगप्पे का ठेला लगाता है, एक मिनट रुको मैं उसको अभी बुलाता हूँ। अरे राइटर जल्दी आओ जल्दी, गाना लिखना है। हाँ बस आता ही होगा। सर इतना जल्दी हो जाएगा? अरे क्यों नहीं होगा भाई, हम लोग एकदम थोक में काम करते हैं, वो भी सुपर फास्ट, समझे? अरे राइटर आओ आओ बैठो। जी सर बोलिए। अरे भाई साहब है ना, सिंगर है सिंगर, नए हैं, इनको है ना हिट कराना है, समझ गए? हो जाएगा सर, बोलिए तो सही। इनके लिए एक सुपरहिट गाना लिखना है। लिख देंगे सर, कैसा गाना होना चाहिए? ऐसी चीजों पे लिखो कि जो अभी मार्केट में चल रहा हो, जिससे लोग रिलेट कर पाए, और जो सबके घर में पाया जाता हो, ऐसा कुछ लिखो। जैसे? जैसे पार्ले जी 10 रुपए, पबजी सब्जी, लाइट बल्ब, पंखा, गुलाब जाम, बीड़ी, गांजा, ऐसा 6-7 गाना लिखो ना कि जो मार्केट में ना गर्दा मच जाए। अरे लिख देंगे सर। अच्छा गोलगप्पा पे एक गाना लिख दें क्या, जैसे गोलगप्पा डाल के खाता। माइंड ब्लोइंग यार, अरे क्या मास्टर माइंड है यार, इसको बोलते हैं राइटर का दिमाग, एक ही झटके में यार पानी पूरी डालकर खाता, आह क्या गाना, क्या सोच है भाई, हल्के में मत लेना इनको। अरे आप तो मल्टी टैलेंटेड है, ये आपकी बड़प्पन है। अरे नीचे पानी पूरी का ठेला लगाता है और शाम को ऐसा राइटिंग लिखता है, वाह भाई वाह मजा आ गया। तो एक काम करो, तुम गाना लिख के देते जाओ और हम इनकी बजाते जाते, मेरा मतलब है हम इनसे गवाते हैं, समझ गए ना? अभी सर 2 मिनट में लिख के देता हूँ। चलो चलो लिखना चालू करो और हम बजाना चालू करते हैं, क्यों भाई रेडी हो ना? जी सर जी। चलो
आने दो लक्ष्मी, आने दो, हो गए तुम सुपरस्टार, हो गए सुपरस्टार नंबर वन। चलो भाई राइटर, ये तुम्हारा। चलो चलता हूँ सर। हाँ हाँ आइए आइए, बेस्ट ऑफ लक। चलता हूँ सुपरस्टार। हाँ वेरी नाइस, हाँ वेरी नाइस, वाह 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 वाह। और चाहिए बे? ले बस, खुश अब तो खुश। चलो जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। जी जी ठीक है। चलो गाना गा रहे हो अच्छा है, लेकिन कुछ काम वाम भी कर लो, खर्चा रहता है। वो पता नहीं तुम्हारा गाना कब तक चलेगा नहीं चलेगा। मैं सुप सुप बोल, आने वाला टाइम के भोजपुरी का हीरो हूँ। पैसा का टेंशन नहीं है, तुम फैक्ट्री में काम करते रहो। हम एक कट्ठा जमीन गांव से बेच के आए हैं, बहुत पैसा है। कोई बात नहीं है बाबू, अभी तो बेचना शुरू किए हो, कुछ दिन में रोड पर आ जाओगे। उसका चांसे नहीं है, हमारा बाबूजी घर में घुस नहीं देंगे। वो तो किसी तरह झोल पानी करके एक कट्ठा बेच के पैसा लेके यहाँ भाग आए। और देखना, रोड पर आने के दिन नहीं आएंगे, ये रोड के जरिए जमीन खरीदने के दिन आएंगे। इतना कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है? कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आया है, रिसर्च से आया, रिसर्च से। अच्छा तो तुम रिसर्च भी करते हो, वैज्ञानिक हो? अरे वो वाला रिसर्च नहीं, ये भोजपुरी में का चलता है वो वाला रिसर्च। हाँ तो फिर क्या पता चला? देखो ये पता लगा हमको कि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा बायोलॉजी समझा दो। मतलब गाना में एक दो गो शरीर के पार्ट के नाम होना चाहिए, बात खत्म। जैसे वो हर गाना में वो दिल होता है उसी तरह का? अरे वो तो हिंदी के इमेजिनेशन वाला दिल होता है, भोजपुरी में डायरेक्ट बात करते हैं, जो होता है ना कह देते हैं। मालूम है क्या क्या चीज़ पर गाना गा के आ रहे हैं? सुना है, सुनेगा? हाँ तो फिर सुना। बीड़ी पर, सलाई रेंज पर, गांजा पर, गोलगप्पा पर, स्क्रू ड्राइवर पर, सिम कार्ड पर। हाँ हाँ मैं समझ गया। आग लगा देंगे देखना। हाँ भाई, भाई देखो मेरा एक गाना वायरल हो गया। कौन सा वाला? स्क्रू ड्राइवर वाला। अब देखो कैसे जातिवाद के एंगल लगा के भोजपुरी का सबसे बड़का हीरो बनता हूँ, स्टार बनता हूँ। ठीक है, गुड लक। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोजपुरी के तड़कता भड़कता सितारा विनय बेसुरा। सर आपका चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, और हम आपके सभी दर्शकों को गौर छू के गौर लगते हैं। सर तो दर्शकों के लिए एकदम डाउन टू द अर्थ है, एकदम संस्कारी। जी कहे नहीं, अब दर्शक है तो हम है, दर्शक है तो आप है, बताइए सही बोल रहे हैं कि नहीं? एकदम सही बोल रहे हैं। जैसे कि आपने कहा दर्शक भगवान है, दर्शक की आप बहुत सम्मान करते हो, दर्शक के लिए आप पैर छूकर प्रणाम करते हो, तो उनके लिए आप ऐसे अश्लील अश्लील गाने क्यों बनाते हो? देखिए दर्शक सर्वोपरि है, दर्शक भगवान है, लेकिन समस्या ये है कि इस भगवान को भजन पसंदे नहीं है तो गजन कर देते हैं। अच्छा तो सर मुझे बताइए आपका नाम विनय बेसुरा क्यों? ये आपने खुद से रखा है? क्रिएटिविटी, हमारे इंडस्ट्री में क्रिएटिविटी चलता है, इसलिए तो हमारे गाने इतने क्रिएटिव क्रिएटिव आते हैं। अब देखिए उदाहरण के साथ समझाता हूँ, आप लोग स्क्रू ड्राइवर से क्या खोलते हैं? स्क्रू। लेकिन हम लोग के इंडस्ट्री में स्क्रू ड्राइवर पर गाना बनाते हैं और उसका दूसरा इस्तेमाल बताते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ऐसा गाना हमारी इंडस्ट्री में चलता नहीं है, बहुत दिन पहले एगो गाना आया था रिमोट से उठा दे हम करके, और वो एकदम बवाल मचा दिया इंडस्ट्री में, एकदम गर्दा उड़ा दिया था। अब देखिए आप लोग घर में एसी लगाते होंगे, ऑफिस में एसी लगाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग गाना बनाते हैं और उसका दूसरा तीसरा चौथा इस्तेमाल बताते हैं। तो इससे आपको ऐसे नहीं लगता कि आपका भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम खराब हो रहा है? अजी नाम को किसको परी है, बस नाम होने से मतलब है। अब आप ही बताइए,
भोजपुरी में जो यूट्यूबर लोग है जो वीडियो वीडियो बनाता है, जौन जितना तेल मिर्ची लगा के क्रिएटिव क्रिएटिव गाली देता है उसका उतने ज़्यादा दर्शक है, और जो समाज संस्कार ये सब सिखाता है, कल्चर के बारे में बताता है, वो तेल लेने गया। तो आपके कहने का मतलब ये है कि सब दर्शकों की वजह से हो रहा है? अरे दर्शक तो भगवान है, उनको हम कुछ नहीं बोल सकते, सब जनता के प्यार ने सबको ऊपर उठाया है। अब आप ही बताइए, इंडिया का जो सबसे बड़ा यूट्यूबर है उसका रॉकेट साइंस समझाकर यूट्यूबर बना है? नहीं ना, तुम गाली दो, गंद मचाओ, फेमस हो जाओ, इज्जत पैसे सब कमाओ, और जो रॉकेट साइंस समझाता है उसका 2000 व्यू जाता है। तो आप दर्शकों को यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपको कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो गाली और अश्लीलता के साथ आना होगा? नहीं 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 मैडम, नहीं मैडम, हम दर्शकों को कुछ नहीं कह सकते, दर्शक तो भगवान है। तो अब आगे का क्या प्लान है? हाजी प्लान का है, हीरो बनेंगे, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। अच्छा एक बात बताइए, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा ऐसे रीजनल इंडस्ट्री आज बॉलीवुड को भी पीछे छोड़ रही है, पर भोजपुरी में वही कहानियां, वही बजट। अजी हम भी बहुत पीछे छोड़ रहे हैं, और बजट का तो बातें मत करिएगा, हमारी इंडस्ट्री में जितना बजट होता है ना उतना किसी का बजट नहीं होता है। हमने तो सुना है कि जनरल भोजपुरी फिल्में 40-50 लाख से 1 करोड़ में बन जाती है। आपने सही सुना है, लेकिन हमारे भोजपुरी फिल्मों में जितना बजट होता है हीरो का उतना बजट किसी इंडस्ट्री में नहीं होता है। हमने तो सुना है 4 लाख, 5 लाख, 50 लाख बजट होता है लीड का, वही बॉलीवुड में 40-50 करोड़ का होता है। देखिए आपका कहना एकदम सही है, लेकिन हमारे भोजपुरी फिल्मों का जो बजट निकलता है उसमें से आधा बजट तो हीरो का होता है। अब बताइए है कौन इंडस्ट्री जो अपने फिल्म के बजट का 50% हीरो को दे देता हो? इसीलिए तो आपकी भाषा में रीजनल फिल्मों की क्वालिटी नहीं आती, डायरेक्टर और टेक्नीशियन को पैसा मिलेंगे तभी तो वो सही से काम करेंगे, इसीलिए तो नहीं आगे बढ़ पा रहे। कौन कहता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कौन कहता है? दर्शक, हमने अपने चैनल पर वोटिंग कराया था, उसमें से ये रिस्पॉन्स आया कि आपके यूपी बिहार के 80-90% लोग साउथ और बॉलीवुड मूवी देखना पसंद करते हैं। अरे दर्शक के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, दर्शक तो भगवान है, और भगवान को जो भजन पसंद आएगा वो हम गाते रहेंगे। तो आपका अपने भाषा के प्रति, आपके समाज के प्रति सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुआ? देखिए ये सब हम कुछ नहीं जानते हैं, हम बचपन में घास काटा करते थे या गाना गाया करते थे। एक दिन हमारा दोस्त सुन लिया और बोला कि तुम एक दिन हीरो बनेगा, तुम्हारा आवाज़ बहुत अच्छा है, और देखिए हमारा एक गाना हिट हो गया। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते हैं, दर्शक भगवान है और सब हम भगवान पर छोड़ते हैं। प्रणाम। हम आप सब दर्शक लोगों से पूछत बानी कि जौन भाषा में इतना मर्यादा मधुरता बा, उ भाषा के कला क्षेत्र के इतना बुरा हाल काहे बा? आप सब अपने भाषा के मान मर्यादा खातिर अच्छा चीज देखल सुनल सपोर्ट कैल कब शुरू करब? अरे शांत रहना थोड़ा देर, फेसबुक पर लाइव करने जा रहे हैं। रउआ हमार श्रोता गुण के सब लोग के गोर छू के गोर लागत बानी। हाँ तो कहे के मतलब ये बा कि ए कमेंट में बैल कौन लिखलक, बाबू ज़्यादा टेढ़ी ना, घरे से उठवा लेम, 20-25 लाख खर्चा करने में हम ना सोची ले, हम सबसे ऊपर बानी, केहू हमरा नीचा ही बा, हम जाना था नहीं तू केकरा चलते बोला तारा। हाँ हाँ तो आप लोग से कहने का मतलब ये है कि देखिए आपके समाज का, आपके जात का लड़का ऊपर जाना चाहिए कि नहीं, तो इसी तरह हमको सपोर्ट करते रहिए और देखिए कि हम इंडस्ट्री में एकदम अपना जात के झंडा ऊपर कैसे लहराते हैं। मतलब इंडस्ट्री में अपना जात का लड़का, अपना जात का जो है ना नाम, वो सबसे ऊपर होना चाहिए, चाहे इसके लिए हम गाना में पिलुआ पड़ा दें चलेगा, अपना जात सबसे ऊपर। नमस्कार भाई लोग, एकदम सपोर्ट कर जाओ। फेन गधा कौन लिख लगबे, बाबू 50 लाख, एगो गाना के एगो फिल्म के चार्ज खर्चा करम ना, खानदान सुन करा देम। हाँ
ठीक बा भाई लोग, नेक्स्ट आओ ता जल्दी है, एकदम मसाला वाला बा। ठीक बा, दिमाग बन कर, दिमाग घरे छोड़ के सुनल करिए, मजा आई एकदम। हाँ, जो भोजपुरी का हुआ है उसे दुर्दशा कहते हैं, और जो हम माँ से सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। तो चाहे आप देश के किसी भी कोने से वीडियो देख रहे हो, अपने मातृभाषा का नाम कमेंट बॉक्स में गर्व के साथ लिखकर जरूर जाइएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।